रही है साडे सिखां विच नहीं है कि जिहड़े दूजे नूं कहिंदे तू ते हाथ लाता हुण मैं ते तेरे हाथ दी रोटी खानी नहीं, तू ते मेरे लागे नहीं बह सकदा भाई, मैं ते उच्ची जात दा तू मेरे तो नीवी जात दा। कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण कह कह जन्म मत खोए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण ही जाया, जे तू सच्ची ब्राह्मण ही जाया सी तवाण बाट, तू भी दुनिया ते उदा आया, मैं भी दुनिया ते उदा आया। अच्छा अगली गल सुनो, तेरे विच भी खून है साडे विच भी खून है, चलो असी गरीब सी साडे विच खून हुंदा, तेरे विच ते कोई दुध होना चाहिदा सी। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लहू तुम कत दूध, साडे विच ते चलो लहू आ, तेरे ते दुध चाहिदा सी, तो तेरे च भी खून आ साडे च भी खून आ। तो तुसी कदी नोट करियो, जो ब्लड बैंक जाने एक्सीडेंट होया होवे, जो उतों आपां खून की बोतल देंदे, कभी किसी ने पूछा जी ये काले का है गोरे का है जैनी का है बोधी का है पारसी का है, कभी किसी ने पूछा साह सिंह जी, साडा संबंध सिर्फ खून नाल हुंदा है, जे खून मैच कर जाए धन भाग, तो खून मैच कर जाता, कई बार अपने परिवार चो नहीं किसी का मैच करता, पता नहीं कितों मैच कर गया खून। ये गुरु ग्रंथ साहिब लिख दिता भगत कबीर, हुण एडे एडे कमाल के शब्द साडे सामने आ, पर असी कदी इन्हां शब्दां नूं संगत विच बैठ के पढ़न ते विचारन की कोशिश नहीं कीती। जिस महान सूरमे सतगुरु जी का तुसी प्रकाश पुरब मना रहे हो ना, सब तो वड्डी उन्हां दी जिंदगी की प्राप्ति काम ते उन्हां दी जिंदगी दे अनेकां ने, 1 अप्रैल 1621 नूं अमृतसर की धरती ते जिहनूं गुरु के महल कहिंदे ने, उत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश हुंदा है, मीरी पीरी के मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाही के कार माता नानकी जी की कुख तो। हुण दादा जी उन्हां दे गुरु अर्जन साहिब जी लगते हैं, दादी जी उन्हां दी माता गंगा जी लगते हैं। हुण बचपन तो लैके उन्हां नूं अपनी दादी जी कोलों भी ते अपनी माता जी कोलों भी चंगे संस्कार मिले। दो शख्सियतों का जिक्र आता है, बाबा बुढ़ा जी ते सत्कारयोग भाई गुरदास जी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं सब तो पहला मुढ़ली जानकारी जिहड़ी है बाणी दी उपदेश दी धार्मिक ग्रंथां दी सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी कोलों प्राप्त होई है। बाबा बुढ़ा जी 1631 दे विच वापस रमदास आ गए सन, उदों 10 साल दे सन, जदों गुरु तेग बहादुर महाराज 10 साल दे हो चुके सन, 21 तो लैके 31 तक जदों गुरु सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी रमदास वापस आ गए सन। 1627 दे विच माता गंगा जी अकाल चलाना कर जाते हैं 21 साल बाद, क्योंकि 6 गुरु अर्जन साहब महाराज 33 से बहते हैं, तो 27 माता गंगा जी शरीरक तौर पर अपना चोला जड़ा वो त्याग जाते हैं। हुण इह तों पता लगता भी धन गुरु तेग बहादुर महाराज 1621 तो लैके 1675 11 नवंबर में दिल्ली की धरती से शहादत का जाम पीते हैं, कुल उम्र उन्हां दी 54 साल बनती है। ए, वैसे तो हर सिख नूं सिख होण दे नाते मुढ़लियां गल्लां दा पता होना चाहिए, कोई औखा काम नहीं, जे असीं थोड़ा बहुत पढ़न की कोशिश करिए, एक अपने घरां च लाइब्रेरियां बनाउण की कोशिश करो। मैं हर जगह एक बेनती करदा हुंना, जिन्हां च आपां रहिंदे आ इन्हां दे लिटरेचर वंडन का तरीका वेखो भी, वो तुहाडे घर कोई पंफलेट दिंदे ने, तुसीं अग्गों कहिंदे जी असीं पढ़ना नहीं, वो तां वी तुहाडे घर सुट जांदे। सोच उन्हां दी बड़ी एडवांस आ भी तुहाडे घर कोई मैगजीन पिया होएगा कोई पंफलेट पिया होएगा, तुसीं नहीं भी पढ़ोगे रख लो कहिंदे, क्यों तुसीं नहीं पढ़ोगे, आपां चढ़ाई कर जावांगे कितें घर की सफाई करदे आ, अपने बच्चों के हाथ लगू एक दो बारी तो मत्था ठणकू, ना मतलब साडे दादा जी साडे पापा जी साडे बीबी जी आ चीज़ा बोलो जी पढ़ते होंगे सी, माड़ी मोड़ तो दिमाग आऊगी ना। हुण मारो ये तर्ज ते अपने घरां दे ध्यान मारो, चलो कुछ चीज़ां ते सानू घरां च खाण लई चाहीदियां पहनण लई चाहीदियां जिहड़ियां चीज़ां दी बेसिक लोड़ां वा, पर कईआं दीआं ते आपां नूं जरूरतां हुंदियां नहीं, तां वी लाउने आपां नूं जिवें सीनरियां लैण दीआं कोई गमले बड़े सोहणे घरां च लैण दे, हुण उह सानू कुछ दिंदे थोड़ा वा, सिर्फ अक्खां नूं सोहणे लगदे आ ना, आए गए नूं चंगा लगे भी आ सोहणा वेख घर च खिडौना बड़ा सोहणा पिया वा कोई सीनरी बड़ी कमाल दी पई आ, अक्सर ते असीं तां ही लाउने भी घर साडा सोहणा बणे। हुण घर ते जे मकान की छत ले रहना हो तो बंदा सिंपल
मकान पा के भी रह सकता, सिंपल घर च भी रह सकता, पर उहदे नाल अगे शिंगारना मुड़ के उहनू सवारना भी पर्दे किदां दे लगणे ने, फर्नीचर किदां दा होवे, बैड किदां दा होवे, सौण नू ते बंदा जमीन ते भी सौ जू, पर अगे उहनू सवारन वास्ते फिर अगे